la 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 la. बचाओ बचाओ! वो तो स्मर्फेट की आवाज थी। चलो, क्या हुआ स्मर्फेट? वहाँ मेरे बगीचे में एक जानवर छुपा हुआ है। तुम्हारे बगीचे में जानवर? देखते हैं, जो भी होगा उसकी छुट्टी कर देंगे। हे, ये तो मैं हूँ। लेजी, तू वहाँ क्या कर रहा है? आजकल मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही और मुझे लगा वहाँ अच्छी नींद आ जाएगी। तुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही? तुम्हें नींद नहीं आ रही है? हाँ वही तो, इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? हाँ, थोड़ा मीठा और डालना होगा। लेकिन ग्रीडी, वो जगह सोने की बिल्कुल सही थी। तू सोए या ना सोए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जा यहाँ से, जा। सुबह से काम कर रहा हूँ, बड़ी प्यास लगी है, जरा ठंडा ठंडा कुएं का पानी पी लूं। सॉरी दोस्तों, लेकिन मैं कहीं भी जाऊं मुझे नींद नहीं आ रही है। देख ले जी, इस मामले में तुझे पापा से सलाह लेनी चाहिए। तू ठीक कहता है ब्रेनी, इस तरह तो मैं कभी सो ही नहीं पाऊंगा। मैं तंग आ गया हूँ पापा, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। रात भर करवटें बदलता रहता हूँ, आप मुझे कोई काढ़ा नहीं दे सकते क्या? ओ सॉरी लेजी, अब मेरे पास इसकी कोई दवाई नहीं है। अच्छी नींद के लिए सबसे अच्छी दवाई है कि तुम जम के एक्सरसाइज किया करो। एक्सरसाइज नहीं? ओ हाँ, उठक बैठक, दंड बैठक, जॉगिंग, योगासन, मयूरासन, दौड़ना और साथ में कूदना। बिल्कुल नहीं, कुछ और बताइए। पापा पापा, इसे देखिए, जरा मेरे इस बीमार पौधे को तो देखिए, ये तो बुरी तरह से मुरझा गया है, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? ओ नहीं वैनिटी, ओ घर जाओ और बस आराम करो, मैं देखता हूँ उसका क्या कर सकता हूँ। तो पापा ने तुझे क्या दिया, कोई काढ़ा या भस्म या फिर? उन्होंने कहा वो कुछ भी नहीं दे सकते। कुछ नहीं दिए, जरूर कुछ गलती हुई होगी, तू यही इंतजार कर। तुझे पता है ना मैं पापा का खास दोस्त है, मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ। बड़े अफसोस की बात है, काश वो मेरे पास पहले आया होता। शायद तब मैं उसकी मदद कर पाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लगता है ये आखिरी दिन है, मुझे लगता है मुश्किल से दो दिन। बेचारी लेजी, सिर्फ दो दिन बची है और वो और वो। मैं अभी जाकर सबको बोलती हूँ। सुनो दोस्त, सुनो, एक बहुत बुरी खबर है। पापा ने बोली है कि लेजी के पास सिर्फ दो दिन बची है। और उसके बाद? उसके बाद वो नहीं बचेगी। आखिर ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, बेचारा लेजी। और पापा ने कही कि मैं कुछ नहीं कर सकती। ओ तो फिर हम उसके आखिरी दो दिनों को खुशियों से भर देंगे। एक काम करें, क्यों ना हम उसे फेयरवेल पार्टी दे। हाँ, मैं बड़ा केक बनाऊंगा और मैं सुंदर फूल लाऊंगी। और नन्हे पौधे, मैं तुझे ठीक कर दूंगा, तुझमें नई जान डाल दूंगा। ओह, वो लगता है ज्यादा हो गया। पापा हमारे साथ आइए ना, हम आपको इनवाइट करेंगे। प्लीज ब्रेडी, वो क्या है कि इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ। अच्छा ठीक है पापा, बेचारी पापा को कितनी तकलीफ हो रही है, यह पार्टी उनके बिना ही करनी पड़ेगी। वाह, मजेदार पार्टी है ना लेजी? हाँ मजेदार है, लेकिन मेरे लिए क्यों? तेरा मतलब तू नहीं जानता, तू तो वो इसलिए क्योंकि हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वाह, तेरे लिए दोस्त। वाह, ये मेरे लिए है, थैंक्स पेंटर। मैं हमेशा से ये बनाना चाहता था। वाओ, वाओ, वाओ। था? और ये है एक शाम लेजी के नाम। उसमें जरूर अनेक कमजोरियां थी, जैसे कई बार ज्यादा देर तक सोना, लेकिन अब वो जा रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब का दिल भारी हो रहा है। लेकिन मैं तो कहीं नहीं जा रहा, इतने अच्छे दोस्तों को छोड़कर मैं क्यों जाऊंगा।
और लगता है बच्चे पार्टी मना रहे हैं। ओ काश मैं भी जाता, लेकिन काम खत्म करना है। काश लेजी की आखिरी पार्टी ना होती। क्या? मैंने कहा काश लेजी की आखिरी पार्टी ना होती। आखिरी पार्टी क्या मतलब है इसका? आखिरी पार्टी वो इसका मतलब है कि लेमजी तू बहुत बोलती और जोर से बोलती। अगर पापा ने कही है कि लेजी की कुछ नहीं हो सकती और वो सिर्फ कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसका मतलब ये नहीं कि तू बड़ा मुंह खोल के सब बोल दे। और इतना ही नहीं, इससे अच्छा तो लेमजी को ही सब कुछ बोलने देते। तो ये बात है, अब मैं ज्यादा दिन नहीं जीऊंगा। मुझे समझ जाना चाहिए था कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही। ओए बेचारा लेजी, बेचारा लेजी। लेकिन मैं ऐसे नहीं जाऊंगा यहाँ से। मैं बहादुर हूँ, कोई चूहा नहीं हूँ। लेजी तुम कहाँ जा रहे हो? अपना आखिरी वक्त अच्छी तरह बिताने, वो सब काम करने जिसे करने में बड़ी थकान होती थी। कौन से काम लेजी? मैं सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ूंगा, तेज लहरों में तैरूंगा और खूंखार जानवर से लड़ूंगा। ये तो बड़ा खतरनाक है। सही कहा लेजी, रुक जा। तेज लहरों मैं आ रहा हूँ। जल्दी करो दोस्तों, कूदो नाव में। हमें उसे रोकना होगा। लेजी रुक जा। रुक जा, आगे मत जा। डरो मत दोस्तों, जो होगा देखा जाएगा। ये लेजी वो गिर गया। वो अब नहीं बचेगा। बचेंगे। पापा ने हमेशा कही है कि इतनी दूर कभी मत जाना, क्योंकि आगे एक बेड़ी। बड़ा मजा आया लहरों में जाकर, और तुम लोग कितने अच्छे दोस्त हो कि मेरे आखिरी वक्त में मेरा साथ दे रहे हो। अब हम गांव तक जाने में भी तुम्हारा साथ देंगे लेजी। ओ अभी नहीं, अभी तो बहुत से काम करने हैं, वो भी एक साथ। एक साथ? मैं सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर जाने वाला हूँ। धीरे चल लेजी, आगे खतरा हो सकता है। मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो मेरे दोस्तों, मेरे लिए अब खतरे का कोई मतलब नहीं रहा। जो लास्ट आएगा वो फिसड्डी होगा। तुम लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जो मेरा हौसला बढ़ा रहे हो। तुम लोगों की वजह से मैं आज का दिन कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेजी क्या अब हम वापस गांव जा सकते हैं? अभी नहीं, मुझे अपने सबसे बड़े खतरे का सामना करना है, जो आज तक मुझसे कोई नहीं कर पाया हो। वो देखो, देख रहे हो दोस्तों? आज मैं उसे धूल चटाने वाला हूँ। लेकिन वो बहुत बड़ा और खूंखार है। बड़ा खतरा बड़ी चुनौती। लेजी मत कर प्लीज। तू हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हारा मतलब तुम जाने वाले की एक आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी करने दोगे? हम तो वो असल में यूकी बात ये है कि इसके लिए तुम्हें लाल कपड़े की जरूरत पड़ेगी। हाँ लाल कपड़ा। हाँ लाल कपड़ा। हाँ तूने ठीक कहा स्मर्फेट, मैं लाल कपड़ा लेकर अभी आया। अब हम क्या करें? अगर लेजी ने उसके बजाय इसको चैलेंज किया होता तो अच्छी होती। आइडिया, लेजी कपड़ा लेने गया है, हम जानवरों को बदल देते हैं। मैं भी बिल्कुल यही बात बोलने जा रही थी, लेकिन पहले मुझे इस प्रॉब्लम से जुड़ी कई बातों पर सोचने पड़ेगा, क्योंकि हर प्रॉब्लम के साथ ओए मेरे लिए रुको। ठीक है दोस्तों, इतना काफी होगा, अब पीछे हट जाओ। तुर्रो तुर्रो, हुर्रे हुर्रे हुर्रे। ओ क्या बात है नन्हे पौधे, तुम अब पूरी तरह अच्छे हो गए हो। वैनिटी को बड़ी खुशी होगी। वैनिटी, ओ वैनिटी, ये रहा तुम्हारा पौधा, अब ये बिल्कुल कहाँ गए सब लोग? ये हार्मनी हो सकता है, देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। हुरे, हुरे, ये। तो तुम यहाँ हो, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ओ पापा, अच्छा हुआ कि आप ही फेयरवेल पार्टी में आ गए लेजी के। फेयरवेल?
वो ज्यादा दिन नहीं बचने वाली, याद ही ना? ओ नहीं, मुझे याद नहीं। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है, आपने कही थी वो अब सिर्फ 2 दिन ही जिएगी। ओ तो ये बात है, मैं तो वैनिटी के इस पौधे की बात कर रहा था, लेजी की नहीं। हाँ, ये फिर से अच्छा हो गया, मेरा मन पसंद पौधा। ओ लेजी को कुछ नहीं हुआ है, उसे बस एक्सरसाइज करने की जरूरत है। हाँ। सुना तूने लेजी, तू बिल्कुल अच्छी हो जाएगी, पापा ने कह दिया ना। तो फिर मैं इस खूंखार जानवर से क्यों लड़ रहा हूँ? जानवर नहीं लेजी, वो तो बच्चों, और तेज भागो, और तेज भागो, भागो। ओ अगली बार एक बात गार्ड बांध लेना, हर रात सोने से पहले ये सबक याद रखना कि हर रोज जिंदगी को पूरी तरह से जीना। और ठीक है ना लेजी? ओ मैंने उसे सिर्फ कहा था कि उसे थोड़ी सी एक्सरसाइज की जरूरत है। ओ चलो मेरे नन्हे दोस्त, लगता है आज हम दोनों अकेले खाना खाएंगे।